पीएससी और व्यापम का टोटल 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं आज। आज आपका 17 फरवरी है, ठीक है, जो कि आपके प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। और आप लोग जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एसआई का हो चाहे पीएससी का हो, ठीक है, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा। आज की जो क्लास है छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास से पूछे गए टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक बार रिवाइज करके जाइएगा। अगर आप लोगों ने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लासेस कंटिन्यू कर चुके हैं और कल का जो संविधान का क्वेश्चन देखे थे वो भी अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाके देख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, ठीक है। अगर आप व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं पीएससी की तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज आप टोटल रहेगा 30 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनती है। हाल ही में आपने एग्ज़ाम दिया है पीएससी प्री का, जिसका एग्ज़ाम 12 फरवरी को था, उसमें आधुनिक इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास होने वाला है आधुनिक इतिहास से, जिसमें 3 से 4 नंबर आपके एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। और जितने लोगों को आंसर मालूम होगा फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर देना। जैसे कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, रामायण दीपिका, ये आपके आंसर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद ये जो क्वेश्चन था पिछले जो मैं आपको वीडियो में पूछा था वही है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आने वाला है, इधर आप लोग कमेंट करके बताते जाना कि इसका आंसर क्या क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आप सभी को मैं बता दिया था कि रामायण दीपिका एवं विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत जैसे जो प्रसिद्ध कृतियों के लेखक था, ये आपका रिवराम बापू का था, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जितने भी इधर आप क्वेश्चन आएगा सब लोग आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या क्या होगा। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, रिवाइज के तौर पर टेस्ट है प्रैक्टिस सेट के अनुसार, ठीक है। चलिए एक समय और बताना चाहूँगा, एक बात बहुत ही ज़बरदस्त है कि बहुत बड़ी खबर है, ठीक है, जो आप ही अभी देखने को मिल रहा है। एडीओ का मतलब समझते हो ना, एडीओ का मतलब होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जो आपके आगामी एग्ज़ाम में होने वाला है, यानी कि बहुत ही जल्द इसकी भर्ती आने वाली है एडीओ की। अगर आप एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, डेली क्लास में करा रहा हूँ कंटिन्यू वाचिंग। समय के बारे में बात करें तो समय आपका रात को 7:30 से लेकर 8:30 के बीच जो रिकॉर्डेड क्लास होती है उसको अपलोड कर दी जाती है। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश अधिकारी छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राज व्यवस्था लागू की थी, किसने किया था? इलियट ने, चार्ल्स वर्थ ने, ड्यूरन थॉम्सन ने, चार्ल्स नेपियर ने। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। अब कमेंट करना स्टार्ट करें जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं रिवाइज के तौर पर, है ना, बिल्कुल कमेंट करना स्टार्ट करें, ठीक है। जिन लोगों को पढ़ाई करना है बिल्कुल वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो रहा है, 2-3 लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, बाकी लोग भी कमेंट करें। आंसर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐसी डेली प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा तो ऐसी आप लोगों तैयारी 70% हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है आंसर, ए बहुत लोगों का आ रहा है, ऑप्शन ए होगा, इलियट, चार्ल्स इलियट, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने। तीसरा है, राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है? इसका आंसर तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, जितने भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर बिल्कुल फटाक से कमेंट में आना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा। ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर लोगे देखते ही आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक आप सभी को मालूम होगा कौन है, बिंबाजी भोसले, बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, बिंबाजी भोसले ही हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक। वैकुंठजी भोसले नहीं होगा जी, आंसर भी होगा।
चलिए तीसरा आप लोग चौथा का कमेंट करके बताएं कि कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया है। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें, इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का फिर से समय दिया जा रहा है। ऑप्शन ए कैप्टन सैंडीज, ऑप्शन बी कैप्टन हंटर, ऑप्शन सी कैप्टन नगेन्यू, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें बच्चों। बिल्कुल सही आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चौथा का आंसर बिल्कुल सही दिया है, कैप्टन सैंडीज। देखिए जो कैप्टन सैंडीज है उस कैप्टन हंटर के बाद ही उसको अधीक्षक बनाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा कैप्टन हंटर के बाद कैप्टन सैंडीज को ही सेकंड नंबर पर ये अधीक्षक बनाया गया है। कितने लोगों का आंसर आया है? जितने लोगों का आंसर ए आ चुका है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी समिति या किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? इसका आंसर देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही है, घनश्याम सिंह गुप्त जी हैं। इसका आंसर बिल्कुल ए होगा, नहीं जी बी नहीं होगा, क्योंकि सुंदरलाल शर्मा नहीं आएगा। आंसर ये होगा घनश्याम सिंह गुप्त, जबकि देखिए 1934 में जो छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक हुआ था उसकी अध्यक्षता में गठित घनश्याम सिंह गुप्त ने किया था। हाँ इसका आंसर आप लोग बताओ फटाफट। वर्ष 1906 में, देखिए मैं 1906 ही पढ़ाऊँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखिए एग्जाम में आया हुआ है, 12 फरवरी को हाल ही में पीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था पीएससी का, उसमें ये समित्र मंडल वाला क्वेश्चन पूछा गया था और ये अभी आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। मैं बिल्कुल निःशुल्क क्लास लेकर आया हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ डेमो है, ठीक है डेमो। उसके बाद आपको मेंस की तैयारी कराया जा रहा है हमारे चैनल पर, एसआई की यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की, साथ ही पीएससी मेंस की, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कल ही से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो 15 फरवरी को डेमो था ना, तो इसीलिए मैं आपको 16 फरवरी से स्टार्ट कर दिया हूँ क्लासेस। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन के नीचे बहुत सारे वीडियो दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या दिया है बच्चों ने, वर्ष 1906 में। हाँ जो लोग पीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, मैं अदर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करवाता, सिर्फ पीएससी और व्यापम की तैयारी करता हूँ। और सबसे बात यह है कि अगर आप लोग पीएससी की तैयारी कर लिए तो आपको व्यापम इजीली ही निकल जाएगा, ठीक है। तो 1906 में क्या आंसर आया, समित्र मंडल, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं बच्चों लोगों ने। छठवा का आंसर बिल्कुल ए दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा गया है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ था व्यापम का, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ ऐसे ही फालतू का नहीं लाता, व्यर्थ की, ठीक है। जितने भी है सब विगत वर्षों का है क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ बनती है। मैं यह नहीं कह रहा था कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कई बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन। हाँ इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही दिया है 8। कितने लोगों ने आंसर 8 आया है, जो कितने सूबों में बांटा गया है, 8 सूबों में बांटा गया, बिल्कुल सही होगा आंसर सी। हाँ बिल्कुल, गणित की क्लास कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैथ्स की ना, मैथ्स की क्लास कल से स्टार्ट होगी हमारे ही चैनल पर, एसआई भर्ती की बोस्ट क्लास के लिए, ठीक है, बोस्ट BOST बोस्ट क्लास, ठीक है। चलिए इसका बताइएगा, फटाक से आंसर दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन है। इसका आंसर तो ऐसे ही आ जाना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना रखे, देखिए अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले इसका क्वेश्चन पढ़ने से पहले स्टार्ट दिमाग में, ठीक है, क्या दिमाग में आपका आंसर आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन है, फटाफट कमेंट करें यहाँ पर, जितने भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, फटाफट कमेंट करते जाइएगा। कितने लोगों का मैं नाम लूँगा भाई यहाँ पर, बिल्कुल सही है तो आ रहा है आंसर, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको।
कैप्टन एडमंड, बिल्कुल सही है। जो पहला अधीक्षक बना था कैप्टन एडमंड, नहीं नहीं ये नहीं होगा ना, कैप्टन इंग्लिश कहाँ से होगा, एडमंड होगा, अंग्रेज में बोला ना। इसका जरिए बताइएगा फटाक से, इसका देखिए इसका आंसर तो ऐसे ही आ जाना चाहिए। नागपुर के भोसले शासक के शासनधीन में क्षेत्र के पर जो ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना की थी, बिल्कुल सही आना स्टार्ट हो चुका है, इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है 1818 में, ये जो बिल्कुल सही है। इसका बताइएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ था, पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म स्थल, देखिए 12 फरवरी को पीएससी एग्जाम में ये भी आया था कि वल्लभाचार्य, वल्लभा एक मिनट ना, वल्लभा ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है 12 फरवरी को पीएससी के एग्जाम में प्री का ना, ये आपका आया था वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ठीक है, वल्लभाचार्य का जन्म स्थली पूछा गया था, जन्म स्थली पूछा गया था। इसका कमेंट करके बताइएगा क्या क्या ऑप्शन दिए थे उसमें। हाँ जो पीएससी प्री का एग्जाम हुआ था 12 फरवरी को, हाँ और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था एग्जाम में पूछा गया था, और बहुत लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था उसमें, तो आप लोग बताइएगा कि वल्लभाचार्य का जन्म स्थल कहाँ हुआ था कमेंट करके फटाफट ना। ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोग को, पहला राजनांदगांव, दूसरा चंपारण, तीसरा जांजगीर चांपा, ठीक है जांजगीर चांपा, और चौथा है आपका राजिम। तो कितने लोगों ने ऑप्शन बिल्कुल सेकंड लगाया था, चंपारण, ठीक है ये बिल्कुल सही होगा चंपारण, फटाफट कमेंट करें। तो क्या आंसर लिखे थे आप लोग, क्या है वल्लभाचार्य का जन्म स्थल कहाँ है, चांपा चंपारण में तो है ना, जांजगीर चांपा में कहाँ होगा, चंपारण है इसका आंसर, आप बताओ। तो सुंदरलाल शर्मा का जन्म स्थल बिल्कुल सही, कितने लोगों का आंसर है 73% लोगों का आंसर बी आया है, और ऑप्शन सी 23 लोगों का परसेंट आया है, ऑप्शन बी यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं, एक मिनट ना, ये आंसर सी होगा, ये आंसर सी दिया है, ये बिल्कुल गलत है, आंसर बी वाला ये है 73, बिल्कुल सही है राजिम होगा। इसका बताइएगा, इसका तो आंसर ऐसे ही आना चाहिए, सोना खान पढ़ते ही आना चाहिए, विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित है कहाँ है, बलौदा बाजार, बिल्कुल सही है। कितने लोगों ने आंसर दिया है बलौदा बाजार, आंसर है कितने लोगों ने दिया है, हाँ हाँ चलो बिल्कुल सही जवाब है। इसका बताइएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। देखिए मैं इसका आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन ए या ऑप्शन बी क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करके बताइए, हाँ कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ ना। चलिए इसका आंसर बताइए कि चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये जो चर्चित हुआ था अभी हाल ही में रायपुर का, हाँ किसके में, मई 1920, मई 1921 या मई 1922 या 1923, जो 1923 है आपका झंडा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है 1923 में आपका कौन सा सत्याग्रह हुआ था, झंडा सत्याग्रह हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा रायपुर में चर्चित सम्मेलन कौन सा है, बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर 1920 आया है मई में, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए होगा। इसका बताइएगा फटाक से कि वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली गई थी, कौन सी पत्रिका निकाली गई थी, कान्यकुब्ज, आलोक, उत्कर्ष और उत्थान। चलिए आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है हिंट दे रहा हूँ ना आप लोग को, 50% आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है ये गलत होगा और ये गलत होगा, इन दोनों में से एक ही होगा इसका आंसर। तो आप लोग को मैं हिंट दे दिया हूँ, यानी कि 50% सॉल्यूशन बता दिया हूँ, दोनों में से क्या आएगा, बी आएगा या सी आएगा, कमेंट करके बताओ। अरे भाई देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका, तुक्का नहीं माना ना यहाँ पर, मैं तुक्का अगर मारोगे तो मैं आपको ब्लॉक ही कर दूंगा, आप इतना देर से मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोग को, सिलेक्शन लेना है ना कि तुक्का, अगर तुक्का करोगे ना तो तुक्का में ही रह जाओगे,
मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है, बार बार नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट ब्लॉक करूँगा। जब मैं आपको बताया हूँ कि टाइम 7:30 को है, फिर भी बार बार टाइम पूछ रहा है बेवकूफ। इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी, कान्हे कुब्ज। ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बिंबा जी ने, ये देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं, उसका आंसर फटाक से आ गया। ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष स्थापित किया गया था, प्रत्यक्ष शासन के रूप में। देखिए ऐसे आंसर आना चाहिए ना भाई, फटाफट। हाँ बिल्कुल सही है, 1757 ही होगा आंसर, ये होगा। जितने लोगों का आया उसका सही है, जितने लोगों का भी आया बिल्कुल गलत है। ये 61 कहाँ होगा? ये तो युद्ध है, 1761 में क्या था, प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था क्या? तृतीय युद्ध हुआ था किसका? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। चलो तो इसका बताओ, 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के नियुक्त डिप्टी कमिश्नर, इसका आंसर ऐसे आ जाना चाहिए। आंसर नहीं आया ना? हाँ ऐसे आंसर आना चाहिए, फटाफट फटाफट करो, फटाफट आंसर दो। क्या आएगा? व्यापम वालों को तो बनना ही चाहिए एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और फटाक से इसका आंसर बताओ। चार्ल्स एडमंड, चार्ल्स एलियट, चार्ल्स मैक्सन, चार्ल्स हावेल। अरे दोनों बिल्कुल गलत है, दोनों में से एक ही होगा। हाँ क्या आएगा आंसर? बी, बिल्कुल सही है। इसका आप लोग बताइएगा फटाक से कि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार की सजा दी थी? ब्रिटिश शासन माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को जी, ए बी सी और डी, क्या आएगा? हाँ कमेंट करने स्टार्ट करो। हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना, वीडियो को, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दो। 1921 बिल्कुल सही है। इसका आंसर आप लोग को मैं नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। जो प्रसिद्ध सम्मेलन 126 कब हुआ था? ए बी सी या डी, इसका कमेंट करके बताना, ठीक है, फटाक से जल्द ही बताओ कमेंट करके। इसका आंसर बताइएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले को रायपुर में आगमन कब हुआ था? 17, 18, 30 या 25? हाँ बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के साथ आए थे, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी के साथ आए थे 1930 में। ये गांधी जी कौन है? नहीं पता, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी 1930 में आए थे किसके साथ? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ रायपुर में आया था ना। इसका बताइएगा क्या आएगा? एलपी खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत में बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे? इसका आंसर आना ही चाहिए फटाफट। पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या माधवराव सप्रे या खूबचंद बघेल? हाँ रविशंकर शुक्ल बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आंसर आया है? बिल्कुल सही है। इसका बताइएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था? 51, 53, 55 या 57 में? बिल्कुल सही है। देखिए मैथ्स की क्लास कल से स्टार्ट होगी। हाँ सीता, मैथ्स की क्लास कल से स्टार्ट होगी ना, कमेंट करो तो पहले आप यहाँ पर कमेंट करो, इस कमेंट करो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही है, 1955। हाँ रियासतों को भारत संघ के मध्य प्रांत विलय कब किया गया था? ए बी सी डी, बिल्कुल सही है, 1948 में किया गया था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, 1 जनवरी को। इसका तो ऐसे ही इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी आपको मैं
ऑब्जेक्टिव में एक प्रैक्टिस सेट डाल ही दूंगा हूँ। प्रथम सूबेदार कौन है? छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार? हाँ क्या है? बिल्कुल सही है ऑप्शन है महिपत राव दिनकर। बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आंसर आया है? आप ये बताइएगा कि केशव गोविंद के शासनकाल में कौन आया था? केशव गोविंद के शासनकाल में कौन आया था कमेंट करके बताओ। कोलब्रुक, कोलब्रुक ठीक है, कोलब्रुक आया था। और महिपत राव दिनकर के शासनकाल में कौन भारत आया था? छत्तीसगढ़ आया था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अब विट्ठल राव दिनकर के बारे में भी बताइएगा शासनकाल के बारे में। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसने दी गई थी? रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव या माधव राव सप्रे या ठाकुर प्यारेलाल सिंह? क्या आएगा आंसर? फटाफट कमेंट करें ना, फटाफट आंसर दें यहाँ पर। बिल्कुल सही है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका तो आंसर ऐसे देखिए देखते ही साथ आ जाना चाहिए कि प्रथम महिला शासक कौन है, ऐसे मुंह में याद रहना चाहिए ठीक है। फटाक से प्रफुल्ल कुमारी देवी, ये भी आया था एग्जाम में। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसे धारण किया था? कौन धारण करता है सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि? रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल चंद भसदेव, दरिया देव या अजमेर सिंह? 30 सेकंड का आपको फिर समय दिया जा रहा है और आपको मैं 50% ऑप्शन बता दे रहा हूँ। 50% ये और ये नहीं होगा, ये दोनों में से एक ही होगा। फटाक से आप कमेंट करें, मैं आपको 50% बता दिया हूँ। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसने धारण की थी? बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। तो जितने लोगों का आंसर ए आया है बिल्कुल सही है और ऑप्शन बी भी गलत होगा। इसका बताइए, होमरूलिंग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए बी सी डी, फटाक से कमेंट करें। राय बहादुर ठक्कर, बिल्कुल सही है। इसका बताइए, 1924 में रविशंकर शुक्ल ने कौन से पत्रिका निकाली गई थी? ये देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कान्याकुब्जी, बिल्कुल सही है, रिपीट हुआ है ना, तो आप बताओगे ही भाई, इसको छोड़ दो ये वाला। इसका बताओ क्या आएगा, मध्य प्रांत बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है? राघवेंद्र राव, खूबचंद बघेल, रामदास सिंह या शिव भानु गुप्त? 50% ऑप्शन बता दूं? ये दोनों गलत है, ये दोनों का आंसर आप बताइए। 50% आपको मैं बता दिया हूं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, क्या टिक लगाऊं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? देखिए फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करो। ऑप्शन ए 70% आ रहा है और ऑप्शन बी 30% नहीं आ रहा है, तो क्या समझे पहला या दूसरा? ऑप्शन ए। हाँ 17 फरवरी 2023 को जो क्लास है पीएससी व्यापम का, ये आपका 7:30 बजे रात को और 8:30 बजे रात को रहती है। अगर आप दोनों में से एक क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपका ऐसी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके व्यापम पीएससी में पूछे जाते हैं ठीक है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल वीडियो को शेयर करके रखें, साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा ठीक है। और आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, ऑप्शन ए होगा जो कि मध्य प्रांत बरार के
गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे जो कि ई राघवेंद्र राव हैं। ठीक है, तो टोटल आप सभी के लिए ये सही था और ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है? पंडित रामदयाल, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद पांडे या इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। एडीओ का बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है तो आप लोग तैयारी करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल हमने बता दिया है, टोटल 30 MCQ ऑब्जेक्टिव पर आए हैं। ये आप सभी के लिए 31 का जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।